कर्नाटक के मुसलमान आज के हालात में महरूमी के साथ हैं और गुर्बत हर जगह है। तो हमारे मोहतरम लीडर मेरे बड़े भाई सीएम इब्राहिम साहब हैं, उन्होंने एक दुआ के लिए दरखास्त किए हैं, क्या मेरे बेटियां ही मेरे बेटियों को शादी होना और मैं तकलीफ में हूँ, मेरा कर्जा है। लोगों की दुआ हुई मुसलमानों की, एकदम शान शौकत से पूरे पैलेस के पूरा कर्नाटक के लोग जम के उनकी शादी मुसलमानों की दुआ से बहुत बड़ी कीमत में शादी की है। तो इनसे मुझे मांग है, उनके हर घर पे बेकू बच्चे बैठे हैं। देवगौड़ा जब इनको एयरलाइंस मिनिस्टर बनाए थे तब एयर इंडिया से ये प्रॉपर्टी ली गई थी इनकी, वहां से एकदम बहुत ही कम घटिया प्राइस को इन्होंने लिए थे। आज 150 करोड़ की प्रॉपर्टी प्राइम माउंटेड जीपीओ पोस्ट ऑफिस के वहां पे उनकी है। तो ये बेच के इन्हों पैसा देंगे 100 से 150 करोड़ रुपए हर मस्जिदों के मिंबर के सामने से, आदमी हर गरीब आदमी बगैर बोले अपना लिफाफा लेके जाएगा, अपना पैसे अपनी शादियों में जा डालेगा। इनका जरूरी है ये, क्योंकि इनका मसला हल हो गया, अल्लाह इनका मसला पूरा कर दिया, मुसलमानों का हक पूरा इनके ऊपर है। आज से नहीं 40 साल से मुसलमान के हक से इन्हों जी रहे हैं। जियाउल्लाह शरीफ साहब, ये सीट मुसलमान की अलमीन मेडिकल कॉलेज और अपनी तमाम कनिंगम रोड के हॉस्पिटल से 20 साल से पूरे मुसलमान का फायदा लिए और इनका अक्यूमुलेशन असेट इन्हों बता दिए कि भाई मेरे पास 16,000 करोड़ रुपए हैं, तो इसमें 9,000 करोड़ रुपए इन्हों रखने दो, इनकी फैमिली को देने दो, इसमें 5,000 करोड़ रुपया मुसलमान को जरूर जल्दी से जल्दी जो मुसलमान से लिया हुआ पैसा इन्हों वापस करना चाहिए। जो ये बिल्डरों से पूछ रहा हूं मैं, इरफान रजाक साहब से, ये तकरीबन इनके लिए इनके हैसियत से एक 10,000 करोड़ रुपया बहुत कम रकम है, इन्हों तुरंत हमें मुसलमानों को मस्जिदों को इस्तेमाल करते हुए इनके ट्रस्ट और इनके इदारे इनके कमिटियां ने मस्जिदों में ऐलान बगैर ऐलान के भी मेंबरों के सामने इनका खजाने के रूप में जो लिया गया पैसा 10,000 करोड़ रुपए इन्हों देंगे। रहमान खान साहब पर डीपीएस हर का स्कूल में 200-250 सीट मुफ्त देना चाहिए, कपड़ा पढ़ाई इलम और उनका यूनिफॉर्म उनका ट्रांसपोर्ट के साथ 250 आदमी को जरूरी देना है। क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब मतिन ताहा से कोरोना में मरे बाद कोरोना के इलाज के साथ 4-5 लाख नहीं सका, बाड़ी भी नहीं दिए कोविड में, ये पैसा इन्हों वापिस देने की मांग रखता हूं मैं। सर आज जो रामनगर के हालात हैं, इस तरह के बहुत सारे इलाकों के हालात भी हैं, जिस तरह से रामनगर में लोगों की एक मदद की जा रही है, आपको नहीं लगता कि दूसरे भी इलाकों की इस तरह की मदद होनी चाहिए, तालीम के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की तालीम रुक चुकी है, स्कूल नहीं जा पा रहे, तो आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे सर? कर्नाटक के मुसलमान आज के हालात में महरूमी के साथ हैं और गुर्बत हर जगह है, मुसलमानों की गरीबी गुर्बत में बदली है, तो इसको देखने वालों का नहीं, वजह क्या है, मुसलमानों के नाम से मुसलमानों का जो पैसा हमारे पास है तो ये पैसा नहीं निकल रहा है, आलम पाशा के पॉकेट से पैसा नहीं जा रहा है, जो उनका पैसा रखा हूं मैं। तो हमारे मोहतरम लीडर मेरे बड़े भाई सीएम इब्राहिम साहब हैं, उन्होंने एक दुआ के लिए दरखास्त किए हैं, क्या मेरे बेटियां ही मेरे बेटियों को शादी होना और मैं तकलीफ में हूं, मेरा कर्जा है, तो पूरे कर्नाटक के पूरे मुसलमान ये चीज के लिए दुआ किए, कोशिश करें, हो सकता है देवगौड़ा भी कुमार साहब उनके घर तक पहुंच गया और इनके दोनों बेटी के जैसा लोगों की दुआ हुई मुसलमानों की, एकदम शान शौकत से पूरे पैलेस के पूरा कर्नाटक के लोग जम के उनकी शादी मुसलमानों की दुआ से बहुत बड़ी कीमत में शादी की है। तो इनसे मुझे मांग है, और जितने लोग महरूम हो चुके हैं आज कर्नाटक के मुसलमान, उनके हर घर पे बेकू बच्चे बैठे हैं, जैसे इब्राहिम साहब के बेटियां हैं हर घर पे हैं, तो आज इनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई इन तकरीबन इनके जो अभी तकलीफ जाके शादी जाके खर्जा जाके मैं चेन्नई मद्रास में इनू होते हुए
ये 150 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी चेन्नई माउंट रोड में है जी। ये प्रॉपर्टी बेचेंगे, इनको बेचना चाहिए। जब यही देवगौड़ा जब इनको एयरलाइंस मिनिस्टर बनाए थे तब एयर इंडिया से ये प्रॉपर्टी ली गई थी इनकी, वहां से एकदम भौतिक कम घटिया प्राइस को इन्होंने लिए थे। आज 150 करोड़ की प्रॉपर्टी प्राइम माउंटेड जीपीओ पोस्ट ऑफिस के वहां पे उनकी है। तो ये बेच के इन्हों पैसा देंगे 100 से 150 करोड़ रुपए हर मस्जिदों के मेंबर के सामने से। आदमी हर गरीब आदमी बगैर बोले अपना लिफाफा लेके जाएगा, अपना पैसे अपनी शादियों में जा डालेगा। इनका जरूरी है ये, क्योंकि इनका मसला हल हो गया, अल्लाह इनका मसला पूरा कर दिया, मुसलमानों का हक पूरा इनके ऊपर है। आज से नहीं 40 साल से मुसलमान के हक से इन्हों जी रहे हैं, यही हक से इन्हों चेन्नई की प्रॉपर्टी लिए। अभी एक ही प्रॉपर्टी की कीमत 150 करोड़ है, ऐसे तीन प्रॉपर्टियां हैं, चाहे इनकी कंपनी पे रजिस्टर लिखे है इन्हों, चाहे दो इन्हों रख लो। ये प्रॉपर्टी ये गरीबों की जो गुर्बत में है इनकी, जो महरूम हो चुके हैं, इनके लिए जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनका हक पढ़ने का इनका टाइम अल्लाह दिया है। हमारे जियाउल्लाह शरीफ साहब ये सीट मुसलमान की अलमीन मेडिकल कॉलेज और अपनी तमाम कनिंगम रोड के हॉस्पिटल से 20 साल से पूरे मुसलमान का फायदा लिए, और इनका अक्यूमुलेशन असेट इन्हों बता दिए कि भाई मेरे पास 16,000 करोड़ रुपए हैं, तो इसमें 9,000 करोड़ रुपए इन्हों रखने दो, इनकी फैमिली को देने दो, इसमें 5,000 करोड़ रुपया मुसलमान को जरूर जल्दी से जल्दी जो मुसलमान से लिया हुआ पैसा इन्हों वापस करना चाहिए। जियाउल्लाह शरीफ और उनके फैमिली, इनके ऊपर सख्ती है ये, क्योंकि मुसलमान का पैसा जो आप बताए, जो मुसलमान सख्ती में है, गरीबी नहीं बहुत ही सख्ती में है, तो ये पैसा है, ये पैसा जियाउल्लाह शरीफ साहब जरूर तुरंत देना चाहिए। इन्हों जो बोला मैं दोनों भी बहुत जल्दी बताना है हमें ये चीज का, हमारी दुआ है इन्हों जरूर करेंगे। आओ प्रेस्टीज में हमारे जो बिल्डर्स है मुसलमान के, अमानत बैंक से लेके यतीम खाने से लेके हिंदुस्तान कर्नाटका के पूरे इमारतों उन्होंने बने, उसमें इनको मुनाफा हुआ, इनका मुनाफा बढ़ा, वहां से पैसा भी लिए और बिल्डिंग का भी पूरा कंस्ट्रक्शन करे 25, 50, 100, 200 करोड़ में किए, और 25 साल के पहले 20 से 40 करोड़ रुपया कमाना बहुत बड़ी बात है। यानी पूंजी मुसलमानों से हो गई। तो मैं ये बिल्डरों से पूछ रहा हूँ, मैं इरफान रजाक साहब से, ये तकरीबन इनके लिए इनके हैसियत से एक 10,000 करोड़ रुपया बहुत कम रकम है, इन्हों तुरंत हमें मुसलमानों को मस्जिदों को इस्तेमाल करते हुए इनके ट्रस्ट और इनके इदारे इनके कमिटियां ने मस्जिदों में ऐलान बगैर ऐलान के भी मेंबरों के सामने इनका खजाने के रूप में जो लिया गया है पैसा 10,000 करोड़ रुपए इन्हों देंगे। रहमान खान साहब जो है 50-75 साल से भी एमएलसी के टाइम से भी मुसलमान इनको नवाजे और चेयरमैन बने, मंत्री बने, हिंदुस्तान की हुकूमत करे, अल्लाह इनको दिया, किससे दिया, मुसलमान से दिया, कोई दूसरे तलब करे नहीं, मुसलमान के नाम से वो गिनती से इन्हों बने। आज डीपीएस स्कूल जितने कर्नाटक में हैं बच्चों, ये क्या, ये पुलिस कांस्टेबल नहीं, ये अटेंडर भी नहीं बन सकता मुसलमान का, इस अंदाज के स्कूलों में ड्रॉप आउट हो रहे हैं मुसलमानों के। इनके ऊपर डीपीएस हर का स्कूल में 200-250 सीट मुफ्त देना चाहिए, कपड़ा पढ़ाई इलम और उनका यूनिफॉर्म उनका ट्रांसपोर्ट के साथ 250 आदमी को जरूरी देना है, क्योंकि यही मुसलमानों की दुआओं से, यही मुसलमानों की देन से इनका इजाफा हुआ है। ये तमाम चीजों में इन्हों तुरंत एक एक डीपीएस स्कूल में 250 बच्चों को फ्री एडमिशन देके इलम देंगे। मेरी अपील नहीं है, उनके ऊपर ये खर्च बनता है। मैं हमारे डॉक्टर साहब मतीन ताहा से अपील के रूप में डाल रहा हूं, आपके हाथों में मरे हुए इंसान कोरोना कोविड में बहुत ज्यादा, इलाज क्या हुआ पता है, इलाज भी हुआ, आपकी मेहनत हुई, जिसके पास आप 2 लाख के ऊपर पैसा लिए और जिसकी मौता हो गई, जिसका इलाज भी हुए 2, 2.5, 4, 5 लाख, जिसका मौता हो गया, मौत को उठा नहीं सके आपके आपके हॉस्पिटल से, जो ब्रॉडवे रोड के HCG जो भी हॉस्पिटल है आपके, उधर से नहीं उठा सके, ये पैसा हिसाब करके आप मुसलमानों को फौरन
आप अदा करना है, कोरोना का इंश्योरेंस नहीं है, कोरोना में मरे बाद कोरोना के इलाज के साथ आप जो पैसा तन लिए उधर पे, तो लोगों के पास आज रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, तो आप आपके इलाज में लोग कितना इजाफा पहुंचा, तो उनके पास पैसा नहीं है क्योंकि 2 से 5 लाख की बिल आपको दे दिए, और जितने भी अल्लाह को प्यारे हो गए उनके घरों में उनके यतीमों को पैसा नहीं है, 4 लाख 5 लाख नहीं सका, बाड़ी भी नहीं दिए, तो इनसे भी ये मेरी उम्मीद है अपना पैसा ना सही, ये मुर्दों का ये यतीमों का पैसा कोविड 2020 में जो हुआ, यानी आप परसों पिछले सेकेंड कोविड में, ये पैसा इन्हों वापस देने की मांग रखता हूं मैं, नहीं तो इसमें मरहूमों की भी इनके साथ रूहानी असर इनके ऊपर इनके खिलाफ जाएगी, इनके बच्चे आज मुश्किल में हैं, बहुत से लोगों को इलाज करें इलाज पूरा भी नहीं हुआ, और इलाज के साथ जो डेड हो गए उनके भी पैसे बहुत पैसे लिए हैं, इनका खर्च क्या हुआ है इनको खुद पता है, ये तमाम करना चाहिए, ऐसा ये मेरे 5 भाइयों से भी मेरी उम्मीद है, तुरंत करने से ये जो महरूम हुए हैं इंसान, इसके बाद मेरा भी आएगा, मैं लोगों से क्या खाया हूं पैसा क्या लिया हूं, लोगों से मेरी मेरा इजाफा क्या हुआ है, ये कोई आदमी मैं खुद भी मेरे खुद गिरेबान से हम बात करके मेरा भी कुछ लोगों से खाया तो मैं देना फर्ज बनता है, तो ये मैं लोगों को मेरे 5 भाइयों को बोल रहा हूं, तुरंत जैसे ये गुर्बत तो बढ़ रही है, तो ये गुर्बत के लिए हमें ये तमाम चीज, ये महरूम जो हो चुके हैं उलमाओं को इस्तेमाल करो, उलमा के उन्हें भी विनती करेंगे, बस मेरी अपील है आपसे, गुजारिश है मुसलमानों के लिए।